शूटिंग अगर किसी भी जगह पर सफाई की जाए तो वहाँ से कचरा सिर्फ एक बार साफ होता है और कुछ समय के बाद वापस गंजा हो जाता है। ऐसे तो फिर से साफ करना पड़ेगा और बार बार साफ करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक बार हम 125 करोड़ देशवासी तय कर ले कि हम गंदगी नहीं करेंगे तो दुनिया में किसी की ताकत नहीं है जो हमारे देश को कर सके। भाइयों बहनों, हमारी आजादी को 70 साल हो गए हैं, अभी भी लोगों को सिखाना पड़ता है कि खुले में शौच नहीं करना चाहिए। घर से निकलने से पहले जैसे पानी पीकर निकलते हैं, वैसे ही शौचालय में पेशाब करके निकलना चाहिए। घर से निकलते ही कई लोग पान पार्लर, पान के ठेले या गले पर जाकर बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, गुटखा, तंबाकू जैसी चीजें खाते पीते हैं और यहाँ वहाँ कचरा करते हैं, थूकते हैं। कई लोग चालू वाहन से थूकते हैं, बिल्डिंग्स और फ्लैट्स में भी थूकते हैं। थूकने वालों से कंटाल कर ऐसी जगह पर कई लोग ऊपर वाले की तस्वीर लगा देते हैं। भाइयों बहनों, हमें अपने आप को बदलना होगा। हम किसी भी जगह पर हो, कोई भी पाउच, थैली, रैपर, पेपर आदि कचरा हमें सिर्फ डस्टबिन में डालना चाहिए। गीला कचरा हरे डिब्बे में और सूखा कचरा नीले डिब्बे में डालना चाहिए। अगर हमें डस्टबिन यानी कचरा पेटी ना मिले तो कचरा जेब में या थैली में संभाल कर रखो और जब हमें डस्टबिन मिले तो उसमें डाल दो। सही कहा ना? हाँ, सही कहा ना? हाँ। भाइयों बहनों, सुख दुख का कोई प्रसंग रखे तो सबसे पहले स्वच्छता का प्रबंध करे और हम किसी भी प्रसंग में जाए तो स्वच्छता रखे। भाइयों बहनों, जब सब लोग अपना अपना काम ठीक से करेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, हार्डवेयर ही नहीं सॉफ्टवेयर भी साफ करेंगे, तभी बनेगा स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। भाइयों बहनों, नई पीढ़ी बदलने को तैयार खड़ी है, हमें सिर्फ अपनी आदत बदलनी है। कुछ समय स्वच्छता से चलेंगे तो हमारी आदत बन जाएगी। हम गर्व से कह सकेंगे मैं भारत देश का एक जागरूक नागरिक हूँ। भाई बहनों, बापू के चश्मे पर बाहर से जो स्वच्छ भारत दिखाई देता है वो बापू के अंदर से स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत दिखाई देगा। भाई बहनों, हमारी आजादी के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान करने वाले देशभक्तों का सपना पूरा करना होगा, स्वच्छ भारत बनाना होगा, स्वस्थ भारत बनाना होगा, समृद्ध भारत बनाना होगा। बनाएंगे ना भाइयों बहनों? ये मत सोचो कि देश ने तुम्हें क्या दिया है, तुम देश को क्या देने वाले हो। भाइयों बहनों, अब मैं एक देशभक्ति का गाना गाऊंगा, आप सब लोग मेरे साथ गाओगे? हाँ। हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन, तेरे लिए दिल दिया है जा भी लेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जा भी लेंगे, ऐ वतन तेरे लिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, विदेश में रहने वाले हमारे भाइयों बहनों की आंख में आंसू आ जाने चाहिए और दुश्मन देश कांप जाना चाहिए। तो बोलो साथियों, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम।